आज बहुत मजा आया क्योंकि दो चीज है। पहले तो हमने अच्छा खासा कल एनालिसिस किया था कि मार्केट 1% या उससे भी ऊपर जाएगा, और मैंने यहाँ पे दो चीज कही थी। एक तो पहले 1 आवर में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता चलेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि कल जैसे हमने एनालिसिस किया था आज एग्जैक्टली हमने वैसे ही निफ्टी में ट्रेड लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। जो सी हमने पहला टारगेट 120 दिया था, दैट मेड अ हाई ऑफ 170। उसके बाद में और एक चीज़ अच्छी क्या हुई कि 18K पे हमने एग्जैक्टली एनालिसिस करके कहा था कि रिवर्सल आएगा, और हूबहू मार्केट वहीं पे रिवर्स हो गया। तो अच्छा खासा दो ट्रेड्स में हमने पैसा कमाया। और ये जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने, हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी है उसे ज्वाइन करना। एंड एट द सेम टाइम एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इवन दो आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, मैं यहाँ पे आपको कुछ भी टिप्स एडवाइजरी या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी थोड़ा बहुत मुझे स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, दैट आई एम टीचिंग यू फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब जैसे टुमारो यानी कि कल बहुत मज़ा आने वाला है, जैसे हमने आज का एनालिसिस किया था वैसे ही हम देखेंगे क्या कल भी कोई जैकपॉट लग सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। मैं उससे पहले कहूँगा कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आज आपको ओवरऑल आपके ट्रेडिंग के दिन में प्रॉफिट या लॉस हुआ। और जो नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। एंड लेट अस क्विकली गो कि क्या यही चीज़ आज जो हुई थी या वो क्या वो कल रिपीट होगी, कल वापस जैकपॉट लगेगा, सभी कुछ मैं डिटेल में एनालिसिस करके आप सभी को बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँगा, मैं S&P 500 फ्यूचर्स के बारे में ये करूँगा। लेट मी चेंज दिस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे S&P 500 अभी 0.47 अप है, तो यस बुलिशनेस बरकरार है। एंड ये फ्यूचर्स है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं S&P 500 का एक्चुअल इंडेक्स, क्योंकि मार्केट चालू हुआ रहेगा मेरे हिसाब से, तो एक बार देख सकते हैं 15 मिनट्स। ओके, यहाँ पे S&P 500 अभी तक मुझे लगता है नहीं चालू हुआ है। ये रियल इंडेक्स है, ये उसका फ्यूचर्स है, तो यस ओवरऑल इट इज़ बुलिश। हमारे लिए इतना काफ़ी है। कल हम देखेंगे कि किस तरीके से S&P 500 क्लोज हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ ना ही SGX निफ्टी। बहुत लोगों को लगता है कि SGX निफ्टी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। S&P 500 या डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जिस तरीके से क्लोज होता है या रिएक्ट करता है, मोर और लेस इंडियन मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, S&P 500 को एक छोटी सी रेटिंग दे देता हूँ। यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि S&P 500 बुरे कंडीशन में ही नहीं है, तो कल जो भी निफ्टी के साथ होगा बुरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा। तो आइए देखते हैं आगे निफ्टी का एनालिसिस। अब ये सब मैं निकाल दूंगा, इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं आवरली चार्ट में सबसे पहले एनालिसिस करने को देखूंगा। अब यहाँ पे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी है, ध्यान लगा कर देखना कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर लास्ट टाइम इतनी बड़ी आवरली कैंडल हुई थी तो मार्केट ने इतना ज़्यादा मुँह दिया था, ओके। बट एक चीज़ देखना, क्योंकि ये आवरली कैंडल इतनी सी ही थी तो मार्केट ने बीच में नीचे गया, वापस नीचे गया और यहाँ पे टच हुआ। अब कहाँ से कहाँ तक थोड़ा सा हम हिसाब लगाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। 18,200 और ये वाला जो पॉइंट है, मैं लगभग 17,800 का पकड़ लेता हूँ। तो इतने बड़े कैंडल ने 400 से लेके 450 पॉइंट्स का मुंह दिया था। अब
मुझे आप बताओ कि इसके मुकाबले लुक एट दिस कैंडल, ये भले गैप अप हो गया है बट आप इसको पूरी तरीके से एक कैंडल कंसीडर करना, ओके? अब आपको थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी कि ये इतना था तो मुझे 450 मिले, अब ये खली आ गया है, ये अंडरटेकर था तो यहाँ पे जब खली आ जाएगा तो मुझे कितना मुंह मिलेगा। तो आप मुझे हिसाब करके भी बता सकते हो, लगभग मुझे लगता है इसके दुगना है, ओके? ये कैंडल के लगभग दुगना ऐसे लग रहा है। सो यहाँ पे ये कैंडल का मुंह कितना हो सकता है, ये मुंह जो रैली निकल पड़ी है वो कितनी हो सकती है, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं जस्ट आपको एक सोचने का आपका नज़रिया बदलना चाहता हूँ कि हमेशा आप याद रखो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा ये यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा, आपको उसके ओरिजिन पे पता चलेगा कि मुंह कितनी बड़ी आने वाली है। तो यही लॉजिक से आप समझ लो और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, ये जब इतनी बड़ी ओरिजिन हो गया है यानी कि इतना बड़ा बेस पे एक अवरली कैंडल हुआ है तो इसकी मुंह कितनी बड़ी होगी, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा। चलो ये तो मैंने समझा दिया, कुछ अलग आपको सीखने भी मिला रहेगा। अब और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, दूसरा चीज़ थोड़ा सा आप देख लो, यहाँ पे दो लोगों की लड़ाई चल रही है, राइट? अब यहाँ से इधर तक, ओके, एक बड़ी रेड कैंडल, अब उसके मुकाबले एक बड़ी ग्रीन कैंडल, राइट? तो आपको एक लॉजिक भी समझ में आएगा कि यहाँ पे जो सेलर्स का प्रेशर था उसके कंपैरिजन में अब जो बायर्स का प्रेशर है वो सच में फंटास्टिक है, एक अच्छा खासा बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। बट अगर ऐसा लॉजिक है तो ये बीच बीच में होता क्या है, ये क्यों रेड कैंडल बीच में आती है और मज़ा किरकिरा कर देती है? तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, राइट? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे बायर्स ने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, छट से सेलर्स आ गए, नीचे खींच दिया, राइट? अब होता क्या है, वापस जब मार्केट ऊपर जाता है तब वही सेलर्स जो जिनके ऑर्डर्स पेंडिंग है वो वापस एक बार अटेम्प्ट करते हैं नीचे ढकेलने को। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, नीचे ढकल दिया तो अच्छा खासा नीचे गया था, यहाँ पे अब ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया, इमीडिएटली क्योंकि पावरफुल बायर्स थे 18K का सपोर्ट ले लिया और ऊपर चला गया। अब ये कौन से टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आवरली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये बहुत सुपर बुलिश कैंडल है? नहीं, ये सुपर बुलिश कैंडल नहीं है, ये अभी भी वीकनेस दिखाती है। अगर कुछ इस तरीके से ये कैंडल बनती डेफिनेटली मैं कहता ये सुपर बुलिश है, टूट पड़ो, मॉर्निंग में ही मार्केट 18-30 के आसपास जाएगा, यानी कि मॉर्निंग में ही मार्केट ये वाला लेवल तोड़ने को कोशिश करेगा। बट फिलहाल आप देखोगे ये इतनी भी पावरफुल नहीं है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कल मॉर्निंग में संभल के रहना पड़ेगा। आवरली में मैं इतना ही समझा सकता हूँ आपको, मैं और क्या बता सकता हूँ, आप देखोगे जैसे यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर था, ओके? जैसे यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर था और धीरे धीरे निफ्टी ने उसको ऊपर ले लिया, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। और जो भी ये चैनल को फॉलो कर रहा है आपको पता रहेगा मैंने ये कैसे एनालिसिस किया था और कैसे वो समय भी हमने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया था कि अगर मुझे ये साइड पे कुछ कैंडल दिख गया तो आप समझ लो कि बड़ा नीचे के साइड मुंह आने वाला है। और उसी दिन एग्जैक्टली अगर आप चेक करोगे 1% से भी ज़्यादा मार्केट नीचे गिरा था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो भी पावरफुल है, ओके? अब लड़ाई ख़त्म कब होगी, बहुत बहुत सिंपल है, लड़ाई ख़त्म होने के लिए दो फेज में ये लड़ाई होगी। थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जोन जो है, ये जोन पकड़ लो आप,
ओके, ये पूरा का पूरा जोन है। मैं कहूँगा मार्केट को यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना चाहिए। ये जोन कौन सा है मैं लिख के देता हूँ, 18157 से लेके 18128। एक्चुअली इतना बड़ा जोन नहीं है, सिर्फ 30 पॉइंट का जोन है, बट इस यहाँ पे अगर मार्केट को मैक्सिमम चांसेस है, ओके, यहाँ पे ये जोन में मैक्सिमम चांसेस है कि नीचे आ जाए, बहुत संभल के रहना ये जोन में। आप चाहिए तो लिख के लो 18157 से लेके 18128। अगर मार्केट आपको ये जोन में दिखा तो लॉन्ग का ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट वापस नीचे गिर के 18K के पास आ जाएगा। ऑलमोस्ट आपको 120 पॉइंट नीचे आ सकता है, तो ये मिस मत करना। यहाँ पे आप लोग अच्छा खासा मार खा सकते हो, या मैं भी मार खा सकता हूँ, मुझे भी ये ठीक से नोट करना पड़ेगा। अब 15 मिनट्स में इसका इलाज ढूंढते हैं। ओके, 15 मिनट्स में क्या होना चाहिए याद रखना। सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि 18 यहाँ पे ये पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनी थी ना, ये पैटर्न देख लो, ये पैटर्न, तो आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे कल मॉर्निंग में ही कुछ ऐसे जाके पिन बार्स या वॉट एवर, बट मुझे चाहिए कि मार्केट अच्छा खासा 18160 के ऊपर क्लोज हो जाए ऐसे पैटर्न में। ओके, यहाँ पे पुल बैक नीचे भी आ सकता है, सब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट इवेंचुअली मुझे चाहिए कि मार्केट इसके ऊपर चले जाए। और इसके बाद आप सरप्राइज हो जाओगे कि स्ट्रेट अवे आपको 18220 आ जाएगा, और 18220 के बाद उससे भी हैरानी की चीज़ क्या होगी कि स्ट्रेट अवे और 200 पॉइंट्स मार्केट कवर करेगा। तो मार्केट जंप मारने वाला है, आप समझ लो ये कंसेप्ट को। मार्केट क्या करने वाला है, 18160 के ऊपर पहले क्लोज होगा, जैसे ही क्लोज होगा स्ट्रेट अवे जंप मारेगा 18220 पे, और मुझे नहीं पता कि 18220 के बाद मॉर्निंग में गैप अप होके या बड़े बड़े कैंडल्स करके, ये मुझे नहीं पता, बट इसके बाद में जो नेक्स्ट मार्केट की जंप होगी वो होगी 18440, और ये जंप को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये जंप को, ये मुझे लगता है थर्सडे तक आ जाएगा, तो ये अगर आ गया, ये जो पॉइंट रहेगा आप सीरियसली इंजॉय करोगे, और ये सच में आने वाला है, ये जैकपॉट आपको लगने वाला है। बट बहुत पहले ये सब कभी होगा जब पहले मार्केट ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको कवर करेगा। तो कल मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा 18160 एटलीस्ट 15 मिनट्स के कैंडल में प्रॉपरली क्लोज होने देना, और ऐसे रेड कैंडल्स, ये जो पिन बार इस हिसाब से हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसे कैंडल्स चाहिए, हमें कुछ ऐसे कैंडल्स भी चल जाएंगे, ऐसे ग्रीन कैंडल बड़े बड़े वाले। ओके, अब अगर समझो यहाँ पे फंस गया मार्केट तो कहाँ तक नीचे आ सकता है ये भी देख लेना। अगर यहाँ पे 18160 पे अटक गया तो कहाँ पे नीचे आएगा, स्ट्रेट अवे 18095, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड लाइन है 18095, तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स आपके कट जाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीका रखना, ट्रेंड लाइन पे अगर कुछ पावरफुल कैंडल्स दिख रहे हैं तो बाय करना, यहाँ पे ब्रेकआउट के चक्कर में मत पड़ना, ब्रेकआउट प्रॉपरली हो जाने देना 15 मिनट्स में, और उसके बाद में के जो ये 50 पॉइंट्स है ये लेने को देखना, और ये जो नेक्स्ट मूव आएगी वो तो नेक्स्ट लेवल की रहेगी 200 पॉइंट्स, तभी डेफिनेटली आपके पास पैसे भी चाहिए और आप अच्छा खासा ट्रेड भी करना चाहिए। तो होप मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। अभी इसके नीचे क्या मार्केट जा सकता है, अगर गया तो मैं कहूँगा वापस 18K सपोर्ट करके एक्ट करेगा, और अगर इसके नीचे चला गया 17950K तो पूरा का पूरा खेल ख़त्म, ये सब राली बकवास हो जाएगी। चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैंने लॉजिक समझाया, जिस हिसाब से गैप अप हो गया इतना नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक डिप यहाँ पे देखोगे, हर एक ये ट्रेंड लाइन पे जो डिप है,
ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कल भी हम क्या करेंगे, मॉर्निंग को अगर आप ध्यान रखोगे यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये नीचे चला गया, यहाँ पे कुछ रिवर्सल आया या हम यहाँ पे ट्रेड करके यहाँ तक करेंगे, और अगर समझो ये ऊपर चला गया और यहाँ पे कहीं पे हो गया तो डेफिनेटली हम यहाँ तक ट्रेड करेंगे। बट हम ट्राई करेंगे ये ट्रेंड लाइन के जितना नज़दीक हो सके उतना ट्रेड करें, और ये ट्रेंड लाइन के जितना दूर जाए वहाँ उसके पहले हम प्रॉफिट बुक कर ले। तो कहाँ कैसे होगा ये आप देख लो, अगर यहाँ तक गया तो प्रॉफिट बुक करना है, ओके ये पॉइंट तक गया प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे आया वापस आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे गया वापस प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है आप खुद ट्रेडिंग में ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की लाइन और यहाँ पे बाइंग की लाइन। ये जोन से बचना है क्योंकि अगर अटक गए तो अच्छा खासा नीचे जाने के चांसेस है। कल बस यही चीज़ ध्यान रखो, ज़्यादा ट्रेड में ज़्यादा चीज़ ध्यान रखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एंड एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करेगी। आज देखोगे आईटी स्टॉक्स ज़्यादा बढ़ी थी, इसके लिए बैंक निफ्टी जिन जिन्होंने ट्रेड किया उनको इतना मज़ा नहीं आया रहेगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे सेम एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखोगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो रहा है। तो कल मुझे लगता है बैंक निफ्टी निफ्टी से भी अच्छा मूव दे सकता है, 43,100 तक जा सकता है, और कल मुझे लगता है बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर खींचेगा। और जैसे ही 43,100 हो गया 43,500 भी हो सकता है। तो जैसे हम निफ्टी में इंतज़ार करेंगे वैसे आप देखोगे बैंक निफ्टी में ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे नज़दीक पे ये वाला 42,900 का है। तो 42,900 बाउंस बैक 200 पॉइंट नीचे, और फिर जब ऊपर जाएगा स्ट्रेट अवे 43,100। तो मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूँ बैंक निफ्टी में, ये जोन 42,900 के अगर गैप अप होके ओपन हुआ तो थोड़ा सा संभल के रहना, यहाँ पे लॉन्ग का मत सोचना। आप क्या करोगे, आप सेम कंसेप्ट जो निफ्टी में यूज़ किया था वही यूज़ करोगे। ये वाला जो पॉइंट है ये आप बाइंग के लिए यूज़ करोगे। तो और यहाँ पे अगर ओपन हुआ तो आप वेट करोगे कि बैंक निफ्टी नीचे आ जाए, तो 42,750 समझो यहाँ पे गैप अप हो गया, यहाँ पे 42,750 यहाँ पे बाय करना, पहला टारगेट होगा 42,900, और अब के बार अगर ब्रेकआउट हुआ 43,100, और जो नेक्स्ट ब्रेकआउट रहेगा वो तो टोटली नेक्स्ट लेवल का रहेगा। और आप याद रखना ये भी आएगा, सिर्फ कभी आएगा वो इशू है, थर्सडे को आएगा वेनिसडे को आएगा वो हम देखेंगे। वंस अगेन इट वॉज फैंटास्टिक डे टूडे, एंड टुमारो इट विल बी सुपर फैंटास्टिक एज वेल। तो जो जो लोगों ने अभी भी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, और मैं कल मिलूंगा आपको ट्रेड के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड इट वॉज प्लेजर हैविंग यू ऑल हियर।